हेलो क्लास 10th में आपकी टीचर देवेंद्र कौर एंड आई होप आपने चैप्टर 4 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कर लिया होगा अच्छी तरह से। और अब हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको हम एपी भी बोलेंगे, ठीक है, एपी भी बोलेंगे। और इसका इंट्रो कर लेते हैं, और छोटा सा इंट्रो देने के बाद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे और उनके साथ जो फॉर्मूले होंगे वो मैं साइड बाय साइड आपको बताती जाऊंगी। एक बार में सारे नहीं बता सकती और एक बार में आप भी सारे नहीं याद कर सकती, बेसिक टर्म्स बताऊंगी मैं, ठीक है। तो इंट्रो का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें देखो आपको एक सीरीज दे रखी है, आपको एक सीरीज दे रखी है। सपोज हमें एक एपी दे रखी है, एपी की सीरीज। सीरीज क्या होती है, देखो सीरीज होगी, सपोज मुझे ये एक सीरीज दे रखी है, इसको हम सीरीज बोलेंगे, सो ऑन, ठीक है। अब इस सीरीज में हम एपी क्या है, एपी कैसे पता लगाएंगे, एपी एपी कैसे पता लगाएंगे। देखो पहले तो हम देखेंगे इस सीरीज में, जैसे 1 में 2 प्लस करा तो 3 आ गया, फिर 3 में 2 प्लस करा तो 5 आ गया, ठीक है, 5 में 2 प्लस करा तो 7 आ गया, 7 में 2 प्लस करा तो 9 आ गया, सो ऑन। अब आप देखो कि जो 2 है वो एक कॉमन नंबर चलता आ रहा है जो सब में प्लस हो रहा है, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है। जब हम प्लस कर रहे हैं ना वो नंबर सेम है, ये सेम है नंबर, सेम नंबर है, ठीक है। अब इसमें एक जो सीरीज में जो चीज़ है वो देखो आप, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ठीक है। जो फर्स्ट नंबर ये जो होता है ना ये मेरा एपी में कहलाता है ए, ठीक है। और जो सेकंड, ये फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो ये ए हो जाएगा, सेकंड टर्म की बात करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा ए प्लस डी, ठीक है। अभी मैं आपको समझाती हूँ डी क्या होता है। थर्ड टर्म की बात करेंगे तो वो मेरा हो जाएगा ए प्लस टू डी, ठीक। फोर्थ टर्म की बात करेंगे तो आ जाएगा ए प्लस थ्री डी, और ये फिफ्थ टर्म हो गई। फिफ्थ टर्म की बात करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा ए प्लस फोर डी, और ऐसे ही कॉन्टिन्यू में चलता रहेगा। अब आप डी समझो, डी का मतलब यहाँ पर है डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। डी जो है ना वो कॉमन डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है। अब डी क्या है, पहली वाली टर्म को दूसरी वाली टर्म में से माइनस करना। तो इसमें जैसे 1, 3, 5, 7 और 9 था, बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करेंगे तो डी, मतलब डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, डी बोलेंगे हम, ठीक है। डी मीन्स 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो डी, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2, ठीक। फिर 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो डी, 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ देखो आप, जब सेम आ रहा है, ये सेम आ रहा है, तो जब डी सेम होगा ना वो सीरीज एपी कहलाएगी, वो वाली सीरीज जो होगी ना वो एपी कहलाएगी, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर मैं एक सीरीज ले लेती हूँ, सीरीज है मेरी 1, 2, 5, 7 और 9 एंड सो ऑन, ठीक है। अब बताना है इज दिस सीरीज एपी में है या नहीं, ये सीरीज एपी में लग रखी है या नहीं लग रखी। तो कैसे देख के बताओगे आप, डिफरेंस निकालोगे, कॉमन डिफरेंस निकालोगे। हर बार हम कॉमन डिफरेंस नहीं लिखेंगे, हम कॉमन डिफरेंस को डी ही लिखेंगे, ठीक है। कॉमन डिफरेंस मतलब डी निकालेंगे, हम डी निकालेंगे, पहले वाली टर्म को माइनस कर देंगे दूसरी वाली में से। जैसे 2 में से 1 को माइनस करा तो 1 आया, 5 में से फिर
इस वजह से इसको माइनस करेंगे, 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3 आ गया, 7 में से 5 को माइनस करेंगे 2 आ गया। यहाँ पर देखो आप जो आंसर आ रहा है, जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, जो डी आ रहा है मेरा, इज नॉट सेम। तो मीन्स दिस इज नॉट एन ए पी, ये ए पी नहीं है। आपको कॉमन डिफरेंस डी से ही पता चल जाएगा ये ए पी है या ये ए पी की सीरीज नहीं है। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक एग्जांपल था, ठीक है। एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, एक सीरीज दे रखी है इसको। अच्छा, इसमें निकालना है फाइंड द nth टर्म निकालना। अब nth टर्म कुछ भी हो सकती है, 10th भी हो सकती है, 10th टर्म भी हो सकती है, 15th टर्म भी हो सकती है, 100th टर्म भी हो सकती है, 250th टर्म भी हो सकती है, कोई भी टर्म हो सकती है, ठीक है, कोई भी टर्म हो सकती है। उस टर्म को निकालना, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर करते 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 70th टर्म निकालो, वो करेगा 70। अब 70 टर्म को आप टोटल तो नहीं कर सकते ना, तो टर्म निकालने के लिए एक सीरीज दे रखी है मेरे को, सीरीज दे रखी है 1, 3, 5, 7, 9। अब वो बोल रहा है इसकी टेंथ टर्म जो है निकालो, टेंथ टर्म निकालो, ठीक है, ये निकालना है टेंथ टर्म। अब ये देखो, ये मेरी 1 हो गई, ये मेरी 2 हो गई, ये 3, ये 4, ये 5, 5th टर्म, 6, 7, 8, 9, 10th, 10th टर्म में भी कुछ ना कुछ निकल रहा होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ निकल रहा होगा। तो उस 10th टर्म को, जैसे फाइंड द 10th टर्म ऑफ दिस एपी, 10th टर्म निकालो, इसका मतलब ये 10th टर्म का मतलब है कि ए 10, ए तो मेरा ये हो गया ना ए, अब ये ए 1, ए 2, ए 3, ए 4, ए 5, ए 6, ए 7, ए 9 और ए 10, तो ए 10th निकालना है। ये ए 1 हो गया, ये ए 2 हो गया, ये ए 3 हो गया, ये ऐसे करते करते ए 10 निकालना है। वो बोल रहा है ए 10 निकालो, जब भी वो निकालना होगा तो उसका मेरा एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला जो कहलाता है वो मेरा है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसको निकालने के लिए आपको पहले तो वही डी निकालना पड़ेगा। आप ए जो है, ए क्या है यहाँ पर मेरा, ए 1 है यहाँ पर मेरा, ठीक है, और डी, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है मेरा, कॉमन डिफरेंस है इस दूसरे वाले में से इसको माइनस करेंगे तो 2 आया, फिर इसमें से भी इसको माइनस करा तो 2 आ गया, इस तरह से माइनस करते जाएंगे तो 2 आता जाएगा। तो इसका मतलब ये मेरी ए पी की सीरीज है और इसका डिफरेंस जो होगा 2 हो गया। अब यहाँ पर इसको फिल कर देंगे ए 10, ठीक है, ए 10, क्योंकि निकालना नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म निकालना, तो ए 10 है वो मेरा, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए ए 10 है, इज इक्वल टू ए मेरा 1 है प्लस, और यहाँ एन, एन ये रहा 10, 10 माइनस 1 और इंटू डी, डी मैंने यहाँ निकाल लिया, ये मेरा 2 है, ठीक है। ए 10 निकालने के लिए मेरे को 1 प्लस 9 मल्टीप्लाई 2, पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको नहीं प्लस करना, इसको लास्ट में करना है, ठीक है, 1 प्लस 18 हो गया और ए 10 इज इक्वल टू 19, मतलब ए 10 यहाँ पर जो ए 10 टर्म आएगी ना वो मेरी 19 आएगी, वो मेरी कितनी आ जाएगी, वो मेरी 19 आएगी। तो ये एक फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया कि किसी भी टर्म, नंबर ऑफ टर्म निकालना पड़ेगा उसके लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, बाकी जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। अब एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, उसमें सीरीज हमें दे रखी है, सीरीज हमें दे रखी है 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन, और यहाँ पर 20th टर्म तक चल रही है, ठीक है, 20th टर्म तक चल रही है, 20th टर्म तक जब ये चल रही है तो इसका क्वेश्चन वो बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ 20th टर्म तक 20 टर्म्स की, मतलब ये A1 हो गया, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 करते 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 प्लस A20 करना है आपको, ठीक है, ये A4 हो गया, ये A5 हो गया, कुछ ना कुछ आता जाएगा और ये A20 का आपको सम निकालना है, मतलब पहली 20 टर्म्स का आपको जो है सम निकालना है, ठीक है, प्लस करना है उनको। अब आप ऐसे फिंगर्स पे तो प्लस करोगे नहीं, अब उसका भी एक फॉर्मूला है,
उसका क्या फॉर्मूला है, देखो उसका फॉर्मूला है सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला है ये एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन और मल्टीप्लाई डी और ब्रैकेट क्लोज, ये फॉर्मूला है। अब इसमें जो ये निकालना होता है 20 है ना, एस का मतलब सम, सम 20 निकालना है, तो सम 20 निकालना है, 200 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, 170 टर्म्स का भी सम हो सकता है, तो जो निकालना है वो यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू 20, एन जो है एन यहाँ पर ऑलरेडी 20 है तो 20 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2a मेरा क्या था यहाँ पर, पहला a जो है मेरी 1 हो गई और कॉमन डिफरेंस जो d है इनके बीच का कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, सबको माइनस करोगे आप 2 आ जाएगा, तो a 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, प्लस ब्रैकेट n कितना है 20, ठीक है, माइनस 1, ठीक, मल्टीप्लाई d कितना था 2 और ब्रैकेट क्लोज। अब S20 कितना आ जाएगा मेरा, S20 आएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 10, इन दोनों को डिवाइड करेंगे यहाँ आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 2 अंदर 2 प्लस 20 में से 1 गया 19 मल्टीप्लाई 2, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले ये वाला सॉल्व होगा, ठीक है, पहले ये हिस्सा सॉल्व होगा, ये बाद में आएगा, ठीक है। S20 इज इक्वल टू 10, ठीक है, ये यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो 2 प्लस 38 पहले इसको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर S20 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई और 40, 38 प्लस 2 हो जाएगा 40, तो S20 इज इक्वल टू 400, ये मेरा आंसर आ जाएगा इन सबको, मतलब ये A1, A2, A3, A4, A5 करते करते A20 को जब मैं प्लस कर लूँगी ना तो एंड में मेरा जो आंसर आएगा 400। अब इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसके बाद के जितने फॉर्मूलेज हैं और जो डाउट्स वगैरह होंगे ना वो साइड बाय साइड ही सॉल्व होंगे, ठीक है, तो आप इंट्रो अच्छी तरह से कर लो, इसको नोटबुक्स में लिख लो अच्छी तरह से और फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी, 10th क्लास, आई होप कि आपने इंट्रो अच्छी तरह कर लिया होगा चैप्टर 5 का, जो छोटा सा मैंने इंट्रो दिया था, ज़्यादा बड़ा इंट्रो नहीं था। और अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हैं तो करना शुरू करते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के 1 और 2 सेकंड पार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें बताना है इक्वेशन बनाकर, सीरीज बनाकर कि एपी है या नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी एंड वाई। द टैक्सी, फर्स्ट पार्ट है द टैक्सी फेयर, मतलब टैक्सी का जो किराया है ना, 1 किलोमीटर का वो ₹15 लेता है, मतलब 1 किलोमीटर का वो ₹15 लेता है किराया, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहा है उसके बाद जितने भी एडिशनल किलोमीटर्स होंगे, मतलब 2 होगा 3 होगा, एडिशनल किलोमीटर जितना भी होगा उसका हर एडिशनल किलोमीटर का ₹8 ऐड हो जाएगा उसमें। जैसे सेकंड 2 किलोमीटर का होगा 15 तो लेगा ही लेगा, प्लस 8 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड किलोमीटर का हो जाएगा मेरा 15 तो लेगा ही लेगा, और सेकंड किलोमीटर के भी 8 जोड़ेगा वो रुपीस, और थर्ड किलोमीटर का भी 8 रुपीस जोड़ेगा, ठीक है। इसी तरह फोर्थ किलोमीटर का हो जाएगा 15, ये भी लेगा, ये भी लेगा, ये भी लेगा, और प्लस 8 हो जाएगा, तो 8 प्लस 8 ये हो गया, ठीक है। फिर ये वाला हो गया, ठीक, अब ये हो जाएगा, और अब 1 8 और हो जाएगा। तो अब आप देखो इसको जब हम प्लस करेंगे तो हमारी एपी आ जाएगी, जैसे पहले किलोमीटर का 15 था कॉमा A1 मान लेते हैं उसको, ठीक है, उसको हम A1 मान लेते हैं, A1 जो है मेरा वो 15 था, ठीक है। A2 मेरा कितना हो गया, 15 प्लस 8 हो जाएगा 23, ठीक है। A3 कितना हो जाएगा मेरा, इन तीनों को प्लस करेंगे 23 में दोबारा 8 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 31, ठीक है। अगेन 31 में 8 प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 39, और ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। तो मैंने सिर्फ बेसिक आपको बताया है कि इस तरह से वो किराया लेगा। अब वो बोल रहा है कि एपी है या नहीं, तो मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि एपी बताने के लिए हमें ये बताना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ए तो मेरा हो गया 15, और डिफरेंस निकालने के लिए आपको
बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को जो है माइनस करना है। 23 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देन अगेन 31 में से मैं 23 को माइनस करूंगी तो भी मेरा 8 आ जाएगा। 39 में से मैं 31 को माइनस करूंगी तो भी मेरा 8 आ जाएगा। और आप देखो इन सब का डिफरेंस जो निकल रहा है मेरा, कॉमन डिफरेंस जो निकल रहा है मेरा, वो कितना आ रहा है, 8। तो इसमें हम लिख देंगे हेंस इट इज एन एपी। ये एपी की सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर पूरा हो जाता है। हाँ जी, 10th क्लास, अब हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करेंगे। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन में हम यही कर रहे हैं कि हम बता रहे हैं एपी है या नहीं स्टेटमेंट बनाकर, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन फटाफट से। क्वेश्चन में बोल रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। एक सिलेंडर में अमाउंट ऑफ जो एयर है ना, वो व्हेन मतलब एक जो सिलेंडर है उसमें अमाउंट ऑफ एयर जो है उसको एक्स मान लेते हैं। तो मैं पहले यहां लिख ही लेती हूं, लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। सिलेंडर में जो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है ना वो एक्स है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि जब वैक्यूम पंप रिमूव होता है, उस सिलेंडर में वैक्यूम पंप लगा हुआ है और जब उस वैक्यूम पंप को रिमूव कर देते हैं ना, वन फोर्थ ऑफ एयर। अब एक चीज देखो, आप एक चीज मैं आपको समझाती हूँ। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में मैंने एयर को माना एक्स, ठीक है, और वो यहां बोल रहा है वन फोर्थ ऑफ एयर। वन अपॉन फोर ऑफ का क्या मतलब हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और एयर कितनी मैंने मानी है एक्स, तो 1/4x, ठीक है। रिमूव हो रही है ये, ठीक है। रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग, वो रह जाती है सिलेंडर के अंदर। जितनी बार भी वो वैक्यूम पंप हटाएगा उतनी बार 1/4x जो है वो सिलेंडर में रह जाती है। तो यहां पर जो अगर मैं लिखूं रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग, ठीक है, तो 1/4 मल्टीप्लाई एक्स और इज इक्वल टू 1/4x। ये वाली हवा जो है उस सिलेंडर के अंदर रह जाती है। अब मैं इक्वेशन बनाना शुरू करती हूँ, a1 a2 a3 बनाती हूँ। तो a1 कितना हो गया मेरा x, हवा है, ठीक है। a2 मेरा कितना हो गया, a2 देखो अब मेरा कितना हो गया x, हवा रहेगी और हवा में से 1/4 जो है रिमूव्स हो जाएगी, तो -1/4x, यही वाला माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 3/4x। तो एक्चुअल में ये मेरा x हो गया और a2 मेरा हो गया 3/x, ठीक है। अब जो है a3 में क्या होगा, a3 के अंदर वो अगेन इस वाली हवा में से कितनी रिमेनिंग रह जाएगी, कितनी रिमूव हो जाएगी, अगेन यही वाली रह जाएगी। तो a3/4 जो भरी है उसमें से माइनस अगेन 1/4x, अगेन यही वाला जो हवा है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है इसमें 1/4 और माइनस कर देंगे 3/4x, ठीक। रिमेनिंग में से रिमूव्स करेगा इतना, ठीक है, फिर रिमेनिंग वाली भी करनी है, तो रिमेन कितनी रह गई थी यहाँ पर 3/4, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4x, ठीक है। अब जब हम इसको सबको सॉल्व करेंगे, जब पूरा इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको सॉल्व करके मेरा ये आंसर आ गया। अब मेरी a1 ये निकली, a2 मेरी ये निकली, ये a3 निकली,
ठीक है, अब ये मेरी A3 हो गई। अब मुझे A तो मुझे पता है, A मेरा क्या है, X और D, मतलब इसमें से इसमें को माइनस करना है, 3/4x माइनस एक्स, ठीक है। जब इसको निकालेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 4, और इसको जब एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 4x आ जाएगा, तो आंसर में आएगा -1/4x। इसमें से इसको माइनस कर दिया, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, जब 9/16x में से माइनस करा 3/4x को, ठीक है। जब आप इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे ना, -3x/16 आंसर आएगा। अब आप देखो, ये जो कॉमन डिफरेंस हमने निकाला है, जो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो हेंस इट इज नॉट एन एपी। क्यों एपी नहीं है? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस डी जो है वो सेम नहीं है। हाँ जी, 10th क्लास। अब हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है, उसके अंदर भी हमें यही बताना है कि जो इक्वेशन है वो एपी है या नहीं है। तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक कुआं खोदा, कुआं खोदते टाइम ना पहला मीटर, मतलब 1 मीटर की जो कॉस्ट थी ना, वो ₹150 थी। उसके बाद जितनी जितनी खोदता जाएगा, उसमें 50+ होता जाएगा। जैसे सेकेंड मीटर 2 मीटर कुआं खोदेगा तो 150+50 हो जाएगा, कितना हो गया, सेकेंड मीटर का 200 हो गया, ठीक है। फिर तीसरा मीटर जब खोदा, तो तीसरा मीटर जब खोदेगा तो 200 में कितना प्लस कर देगा, वो 50 कर देगा, तो 250 मीटर हो जाएगा, ₹250 हो जाएगा। फिर फोर्थ मीटर कुआं जब खोदेगा, 4 मीटर कुएं की जब खुदाई होगी, तो 250 में वो फिर 50 जोड़ देगा, मतलब जितनी बार वो खोदेगा 1 मीटर, उतने ₹50 वो हर बार ले लेगा, तो ये हो जाएगा 300। तो मेरी एपी की जो सीरी बन रही है, वो यहाँ पर A1, A2 और A3, A4, A4 तक ही पता लग जाता है हमें, A1, A2, A3 और A4। इन सब में आप देखो कि ये मेरी 150 है, ये मेरी 200 है, ये मेरी 250 है, और ये मेरी 300 है। अब सो ऑन चलता जाएगा ऐसे, लेकिन मुझे तो कॉमन डिफरेंस निकाल के बता देना है कि ये AP में है या नहीं। तो A मेरा हो गया 150, और कॉमन डिफरेंस डिफरेंस निकालेंगे तो A2 में से A1 को माइनस कर देंगे, मतलब 200 में से 150 को माइनस कर देंगे, तो 50 आ गया। फिर 250 में से 200 को माइनस, बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म को माइनस करना है हर बार, ठीक है। तो यहाँ भी 50 आ गया। फिर 300 में से 250 को माइनस कर देंगे, तो मैंने देखा कि यहाँ पर मेरे कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस या जो डी है मेरा, वो सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। हैंस हैंस इट इज एन AP। ये AP की सीरीज है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट पूरा हो जाता है। इसके बाद फोर्थ पार्ट की तरफ चलेंगे। हाँ जी, 10th क्लास। अब हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट करेंगे, और इक्वेशन बनाकर बता देंगे AP है या नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर साल ना, वो हर साल वो जो अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट कराता है, कराया ना उसने, वो ₹1000 था। फिर उसने उसके ऊपर हर साल जो है ना, हर साल उसने 8% का इंटरेस्ट ले लिया। तो जैसे 1 ईयर का, फर्स्ट ईयर का अगर उसने जमा कराया, पहले साल में जमा कराया उसने 10,000 रुपीज़, यहाँ पर एक जीरो और है, ठीक है, 10,000 रुपीज़ उसने जमा कराया पहले साल। सेकेंड ईयर में वो बोल रहा है, जब पूरा हो जाएगा ना, एक साल जब पूरा हो जाएगा, तो उसको 8% भी मिलेगा, मतलब इसका 8% मिल जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब इसका 8% इसके अंदर प्लस हो जाएगा।
फिर थर्ड ईयर में जो यहाँ पर आंसर निकलेगा ना, वो फिर इसमें फिर दोबारा 8% इस आंसर को यहाँ पर कर देंगे। अब 8% कैसे निकालना है? तो जब भी हमें परसेंट निकालना होता है, जो एक्चुअल मनी दी होती है या एक्चुअल डिजिट दी होती है उसको 8% है, तो 8% का परसेंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे 100 लगा देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो कितना आ गया, 800। कितना आ गया, 800। अब जो 800 है, ये 800 इसमें प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 10800, 10800। अब ये जो 10800 है ना, इसमें फिर दोबारा प्लस हो जाएगा, क्योंकि बैंक में तो अब ये वाली मनी मानी जाएगी ना, बैंक में तो आपका ये वाला पैसा माना जाएगा, ये पैसा नहीं माना जाएगा। उस इसमें उन्होंने 8% ऑलरेडी जोड़ दिया है। तो अब देखते हैं, देखो फर्स्ट ईयर में उसके पास था 10,000 रुपीज़। फिर सेकंड ईयर में 8% के साथ ये 10,000 हो गया। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कैसे निकालना है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देती हूँ 10800। थर्ड ईयर में फिर इस 8% के साथ 10800 निकालना है, तो 10800 मल्टीप्लाई बाय 8, इसका परसेंट हटाने के लिए 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो मेरा आंसर इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आएगा 1864 आएगा, 864। अब 864 का जो है उसको इसमें प्लस कर देंगे, प्लस 10800। अब इसको इसमें प्लस करा तो 10800 को प्लस करा तो 4616 11664 आ जाएगा। इसी तरह फोर्थ ईयर का निकलेगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया A1, A2, A3, A4। तो देखो अब मैं यहाँ पर A1, A2, A3, A4 कर देती हूँ, A1, A2, A3। तो सो ऑन A1 में मेरा था 10,000, A2 में मेरा आ गया 10,800, A3 में मेरा आ गया इतना। अब मेरे को A मेरा 10,000 था, कॉमन डिफरेंस निकालना है, डी मैंने निकालना है, बाद वाली टर्म में से पहले वाली को माइनस कर देना, तो माइनस 10,000 करूँगी तो मेरा 800 आ जाएगा। फिर इस वाली टर्म में से इसको माइनस कर दूंगी, 11664 में से माइनस 11800 को माइनस कर दूंगी तो मेरा आएगा 864। इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस जो है, जो मेरा कॉमन डिफरेंस है इज नॉट द सेम, सेम नहीं है, हैंस इट इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 मेरा पूरा हो जाता है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व।